के चुपके दुनिया से छुपके मैं देखूं जब तेरे कानों के चुपके। कहाँ गुम हो गई थी? पता नहीं कहाँ गुम ये तुमने खाए? तुम्हारे बगैर इतना टेस्टी बारबेक्यू खा लेती मैं? बिल्कुल नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। हैव अ बाइट, कम। देयर वी गो। मुस्कुराने बहुत बढ़िया लगी, पूरा तुझे रब से मांगे और दुनिया से छुपाने लगे। हेलो, डैनियल भाई, तुम्हें मैंने मना किया था ना उससे नहीं मिलना। यहां से चले जाओ साइक। अच्छा चले जाओ यहां से, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उसे जाओ यहां से। अरे भाई चलो यहां से। डैनियल भाई इसकी कोई गलती नहीं, मैं ही बुला के लाया था। सू प्लीज डैनियल भाई, उसे कुछ मत कहिएगा प्लीज। पागल तुम क्या नशा पीकर सो रही हो? संभालो अपनी इस बेशरम लड़की को। क्या हुआ है दानियाल? तुम मुझसे पूछ रही हो क्या हुआ है? तुम्हारी नाक के नीचे ये लड़की क्या क्या हरकतें करती फिर रही है तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है या नहीं? कल उसकी माँ यहाँ आकर हंगामा करके गई थी और आज वो मुझे ही कॉल करके कह रही है कि संभाले अपनी इस बेशरम लड़की को। नहीं लेकिन हमारे घर की औरतों ने तो आंख और कान दोनों बंद करके रखे हैं। प्लीज तहमुल से काम ले। तो मिली भी हो ना इसके साथ? सब पता है तुम्हें? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मान ही नहीं सकता। और तुम दानियाल प्लीज रुके। तुम्हें कहा था ना प्लीज। क्या लगता है वो तुम्हारा जो तुम आधी रात को उसके साथ बालकनी में खड़ी हुई थी? दानियाल प्लीज, खुदा का वास्ता है, घर मेहमानों से भरा हुआ है। तो ये बात इसे नजर नहीं आ रही कि घर मेहमानों से भरा हुआ है? अगर मेरी जगह वो मंजर कोई और देख लेता तो क्या इज्जत रह जाती हमारे घर की? दानियाल नहीं, मैं भी जाकर चाचू और चाची को सब कुछ बता। नहीं मैं आपकी मिन्नत करती हूँ प्लीज, कल का दिन गुजर जाने दें। जब सब चले जाए फिर आपकी जो जी मैं कीजिएगा, अम्मी अबू की इज्जत रह जाएगी। या तो ये लड़की मेरे हाथ से मरेगी या तो ये उसे मरवाएगी। ऐसा नहीं करें। और तुम्हें मैंने मना किया था ना इस टाइम मुझे तुम्हारे आस पास भी नजर ना आए। तो एक बार की बात समझ नहीं आती तुम्हें? बोलो मुझे।